तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से इस एलोवेरा की सीड से हम नया एलोवेरा ग्रो करेंगे। तो ये मैंने कुछ प्लास्टिक के कप से वो इसे ऐसी तरह बांध रखा है ताकि जब सीड्स मैच्योर हो जाए तो वो नीचे ना गिरे, मुझे कलेक्ट करने में आसानी हो। अगर आपके पास भी ऐसे ही एलोवेरा के डंठल पे लगे हो सीड्स, तो इस तरह से आप एक जुगाड़ कर सकते हैं उन सीड्स को कलेक्ट करने के लिए। तो मैं बस एक डेमो दिखाने के लिए, क्योंकि हर सीड्स मैच्योर अभी तक होना बाकी हैं, पर कुछ सीड्स हैं जो मैच्योर हो चुकी हैं और सूख चुकी हैं। मैं उन सीड्स को यहाँ से निकालूँगा और उनको एक मिट्टी के बॉक्स में भर दूंगा। तो मैंने ऐसे ही एक एलोवेरा का फ्रूट लिया है जिसमें काफ़ी सारे सीड्स है और ये काफ़ी ड्राई हो चुका है। तो इस तरह से मुझे ये सीड्स यहाँ से मिलेंगे। आप इनको थोड़े बाहर निकालने के बाद धूप में भी सुखा सकते हैं, पर अगर ये इतना ड्राई हो चुका है तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक एलोवेरा के फ्रूट से, जो ये फ्रूट मैंने अभी निकाला, इससे लगभग 4 से 6 इस तरह की सीड्स निकलती हैं। और ये है दूसरा वाला एलोवेरा, जो एक छोटा सा एलोवेरा होता है, उसकी ये सीड्स हैं जो मैं अभी यहाँ निकाल रहा हूँ। इसमें भी लगभग मुझे 2 या 3 ही मिले हैं सीड्स। इनको सीड्स से ग्रो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर टू इसके पप्स निकाल के कई और मतलब प्रोपोगेट करना उससे। तो आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा पानी में था, ये वाला ग्रो हो चुका है। इसमें एक रूट भी है, हम इसे भी ग्रो करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं हमारे पास क्या है, किस कंटेनर में हम इसे लगाएंगे। हमारे पास एक बॉक्स है जो जिसमें मैंने 4 छेद करके रखे हैं नीचे फॉर ड्रेनेज। तो ये हो गई मिट्टी और इसमें मैं थोड़ा सा पानी स्प्रे कर देता हूँ। और इसमें पहले जो छोटे वाले एलोवेरा हैं उनकी सीड्स यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये जो मैंने अभी सीड्स लगाए हैं उसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा डिवाइड के लिए, ताकि आसानी हो समझने के लिए। और जो एलोवेरा के जो सीड्स हैं अभी के, वो यहाँ पे हल्के हल्के दबे दबे हाथों से यहाँ आप डाल दें। तो मेरे पास ये जो मिट्टी है ये अब मैं यहाँ पे डालूँगा। थोड़ी सी डालनी है आपको ऊपर ऊपर से, ज़्यादा दबाना नहीं है, बस इस तरह से ढकने जैसी थोड़ी सी मिट्टी आपको इस पे डालनी है। और आप पानी से थोड़ा सा स्प्रे करें, ये मैंने एक दूसरा कंटेनर में पहले ही कल कुछ सीड्स लगाए थे, पर मैंने तब पानी नहीं छिड़का था क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी नम हो रही थी। तो ये हैं दो जिसमें मैंने एलोवेरा के सीड्स डाले हुए हैं। अब इनको ढकने की बारी है और ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहे इनमें। इसके लिए मेरे पास एक प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट बॉक्स है जो मैं इस तरह से रखूँगा। और आप यहाँ पे
कुछ भी ऐसे पॉलीथीन की तरह रख सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का कोई बॉक्स ना हो तो। और नीचे से इसे बांध दीजिए या ऐसे भी रख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो अगर ये ड्राई हुआ तो पानी डालने के लिए। तो देखते हैं हम इसमें से जो अब नेक्स्ट वीडियो में जो प्रोपोगेट होगा मैं उसका रिज़ल्ट ज़रूर दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।